कि आपके दिलो दिमाग में अगर किसी भी जात से आप अपने का उच्च समझते हैं और दूसरे को नीच समझते हैं और उस तरह से व्यवहार करते हैं, तो ये जान लीजिए कि एक बहुत बड़ा अपराध आप कर रहे हैं। और इस अपराध को आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में आपके शारीरिक और भौतिक जीवन में इसका फल मिलता है, आपको इसका दुख भोगना पड़ता है, लेकिन आप अहंकार में आपको इसको दिखाई नहीं देता है। ये जो वर्ण व्यवस्था बनाया हुआ है, इसमें सही बात है कि जो हम शूद्र समाज में जो कहते हैं कि 6000 जातियां हैं, सच कहिए तो इन 6000 जातियों का मैंने वर्गीकरण किया है। मैंने ये तथ्य पर आया कि पूरे देश में सिर्फ 50 के ऊपर शूद्रों की जातियां नहीं हैं, क्योंकि कर्म से ही जातियां बनी हैं और कर्म 50 के ऊपर किसी की सेवा करना 50 के ऊपर पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए हर क्षेत्र में, हर राज्य में, यहाँ तक कि एरिया वाइज, जिले वाइज जाति अलग अलग बन गई है। इसलिए जातियां सिर्फ 50 है, लेकिन उसको हम 6000 भागों में डिवाइड कर दिए हैं। इस पर भी एक रिसर्च और कुछ संस्थाएं काम कर रही हैं कि सिर्फ हम इस जातियों को सीमित कर दें। दूसरी बात यह है, आपको मैं बताना चाहता हूं कि मैं भी वर्ण व्यवस्था से यादव होने के नाते शुरुआत में भी SC ST से एक घृणा की भावना बचपन से ब्राह्मण के द्वारा पैदा की गई थी, लेकिन जब से मुझे ये अपराध बोध लगा है, मैं आपको बता दूं कि आपको भी ये बता देना चाहता हूं कि आपके दिलो दिमाग में अगर किसी भी जात से आप अपने का उच्च समझते हैं और दूसरे को नीच समझते हैं और उस तरह से व्यवहार करते हैं, तो ये जान लीजिए कि एक बहुत बड़ा अपराध आप कर रहे हैं। और इस अपराध को आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में आपके शारीरिक और भौतिक जीवन में इसका फल मिलता है, आपको इसका दुख भोगना पड़ता है, लेकिन आप अहंकार में आपको इसको दिखाई नहीं देता है। तो मैं आप लोगों से ही कहूँगा कि आज से आप अपने समाज में किसी को भी हीन भावना, जात के माध्यम से किसी को छूत अछूत, ये मत विचार में रखिए। ये आप एक अपराध कर रहे हैं, हर अपराध को आपको जान लीजिए कि सजा मिलती है, भोगना पड़ता है। आप इसको भोग भी रहे हैं, लेकिन ये आपको दिखाई नहीं देता है अहंकार में, क्योंकि इस पर आप कोई चर्चा ही कभी नहीं करता है कि इस अपराध को हमारे यहाँ धार्मिक मान्यता दी गई है, धार्मिक एक प्रचार दे दी गया है, इसको एक महान बना दिया गया है। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है, इसीलिए हमारा हिंदू समाज सदियों से भोगते बिलखते दुखी रहते आ रहा है। मैं मान रहा हूँ, देख रहा हूँ, कोई पैसा वाला है, धन संपत्ति, फिर भी वो शारीरिक वैवाहिक शांतिपूर्ण जीवन नहीं बिता रहा है। कहीं न कहीं हमारे और आपके अंदर एक बहुत बड़ी बुराई ब्राह्मण बाद ने, ब्राह्मणों ने भर दिया है, इसको निकालना बहुत जरूरी है। आज आपसे प्रतिज्ञा करिए कि आज के बाद हम किसी भी जात का, किसी भी इंसान को अपने से छोटा, नीच, अछूत और पापी नहीं समझूंगा, अपने से उसको उच्च मान के चलूंगा। देखिए, आपका उसी दिन खुशहाल जिंदगी हो जाएगी, आप में एक नई चेतना पैदा हो जाए। मैंने जब से शुरू कर दिया, हमारे में काफ़ी परिवर्तन आ गया है। मैं आपको भी कहता हूँ कि ये बुराई आज के आज आप त्याग दीजिए, आप एक खुशहाल जिंदगी जी लेंगे। हम तो करें, कहीं भी किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए, छुआछूत की भावना पैदा नहीं होनी चाहिए। शुक्रिया, धन्यवाद। मैं सबको कहूंगा इसको फॉलो करिए। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।